गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो जिला सहकारी बैंक यहां फ्रेंड धीरे धीरे ही सही आग लगनी शुरू हो गई है, और इस आग की आंच यानी कि जो आग हरिद्वार से उठी थी उसकी लौ की आंच अब धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की लिमिटेड की भर्तियों में लग रही है, जिसका ताजा उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का यूआरएल फ्लैश कर रहा होगा, तो यार उसको भी अपना प्यार ऐसे ही दे दो। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़, यहां ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पिथौरागढ़ के बहुत खास दोस्त हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं और हमारे जानने वाले भी हैं। तो फिलहाल आपके लिए ये न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पिथौरागढ़ और चंपावत में भर्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सीएम का पुतला फूंका गया। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है चंपावत का आई थिंक सो अभी आना बाकी है, लेकिन अभी से वहां पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। और पिथौरागढ़ में तो ऑलरेडी आपके इंटरव्यू और फिजिकल भी हो गए हैं, जहां पर सीएम का पुतला फूंका गया, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम हो हरिद्वार में जो निबंधक हैं सहकारिता बैंक के, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि इस भर्ती में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसका पता डॉक्टर धन सिंह रावत यानी कि सहकारिता मिनिस्टर और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई थी, जिसकी वजह से हरिद्वार की भर्ती को रोकना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, किसी ने कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि 750 उनके नहीं लगे हैं, मेरे लगे हैं। तो ये मेरा हक है जानना कि आखिर भर्ती पोस्टपोन हो रही है तो क्यों हो रही है। पिछली बार आपने देखा होगा अपहृत कारण, एक ऐसा इनको हिंदी वर्ड मिल जाता है जो कि हर जो है आदेश में चिपका देते हैं। हमने उनसे फोन से यानी कि जो अधिकारियों का कांटेक्ट नंबर था हरिद्वार में उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है, तो किसी ने इतना जहमत भी नहीं उठाया कि वो हमें जवाब दे सके। सोचिए एक बेरोजगार इतना पैसा खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, उसके बाद इंटरव्यू देने जाता है, जब उसको वो इंटरव्यू के स्थल में पहुंचता है उसको मालूम चलता है कि नहीं आज तो इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसी को कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो किसी को वैल्यू ही नहीं है। इसका रीज़न भी आप खुद हो, आप युवा खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि अगर आपने सही समय पर जग गए होते तो ये दिन आज उत्तराखंड के युवा को नहीं देखना पड़ता, जिसका ताज़ा उदाहरण सहकारिता बैंक लिमिटेड की भर्ती है और उसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जो कि 7 साल के आने के बावजूद उसी एज की उस पर अटकी हुई 18 से 22 और आपके 21 से 28 जो कि SI की आने वाली थी जो अभी आई नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, और जब तक उत्तराखंड का युवा सोता रहेगा उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है भाई साहब, जिसको खराब लग रहा हो सॉरी, लेकिन ये बात सच्ची है, कड़वी है, पी लो घूंट के। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं कि जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ चंपावत में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हो रही नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री स्तर की संलिप्तता का आरोप लगाया है। क्यों न लगाएं, क्योंकि जो आपने देखा होगा हरिद्वार के लेटर और प्लस मैंने सभी साक्ष्य आपके सामने रखे हैं, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि किस तरह से यहां पर सारी चीजें हो रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस भाई राजनीति का समय है, चुनाव आने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह के आरोप तो होने ही होने हैं। हालांकि ये ऐसा है, पिथौरागढ़ में भी अनियमितताएं पाई गई थी, कई कैंडिडेट्स के कॉमेंट में मैंने ये बात पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री स्तर की संलिप्तता का आरोप है, इसे लेकर बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का पुतले का दहन किया। कांग्रेस के समीप हुए प्रदर्शन में जिला के मतलब सभी लोग यहां पर शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सूचना आई है कि सरकार नियुक्तियों में साक्षात्कार के नाम पर बड़ी लीपापोती कर रही है, यही नहीं नियुक्तियों के नाम पर बड़ा पैसा मांगा जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि यह पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। और इसमें कई जो कैंडिडेट हैं ब्लॉक स्तर पर हैं उन्होंने यहां पर भाग लिया। यहां पर आप देख सकते हैं करीब 14,000 लोगों ने बहुत अपेक्षा से इसमें इंटरव्यू दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार से अभी सभी अभ्यर्थी बहुत
निराश है। हालांकि यहाँ पर 14,000 तो नहीं, लेकिन कंप्लीट 14,000 हैं, मतलब कि सारे जितने भी ऑल ओवर उत्तराखंड में कॉपरेटिव बैंक्स में भर्तियाँ आई हैं, आई थिंक उनमें 14,000 होंगे। तो सोचिए, इस तरह का आरोप अगर लग रहा है, अगर इसका आँच पिथौरागढ़ चंपावत के में भी आई है, तो सोचिए और जिलों में भी इसकी आँच बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब कोई जानते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना असली रिस्पॉन्सिबल क्यों है। अगर मुझसे पूछो तो मैं तो मानता हूँ कि इसका असली जिम्मेदार उत्तराखंड का युवा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इन नेताओं और इन जैसे लोगों को इस काबिल बनाया है कि हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। अगर हम सही समय पर जग गए होते, हमारी नींव टूट गई होती, तो शायद ये ऐसा हमारे साथ दोबारा ना होता। वो भी एक ही जगह से कई कई बार, हमारा हर एक तरीके से हर एक बेरोजगार का मजाक उड़ाया जाता है। बात बहुत कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच्ची है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, जिनको नहीं अच्छी लगी है अनलाइक कर दो, कौन सा हमको दिखाई दे रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। और सॉरी यार, अगर किसी को खराब अगर मेरी बात लगी हो तो आई एम सॉरी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।